अच्छा सुनिए ना, वो माँ साहब को और कुछ खाने में क्या क्या पसंद है? क्या हुआ, क्या लिखा है इसमें? कंज्यूमर कोर्ट ने समन भेजा है, 2 दिन बाद मुकदमे की तारीख, इस पे आपके साइन चाहिए। इतने लोग की जिंदगियां बर्बाद की ना आपने इस मिलावट वाले दूध बेचकर, उसके लिए कंप्लेंट होगी, छोड़ेंगे नहीं हम आपको। तो आप ही हैं वो जिसने माँ साहब और दूध सागर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी? हमने कंप्लेंट की थी, पर उस वक्त एक मिनट हमारी बात तो सुनिए, उस समय हमारे पापा की जान जाते जाते बची। हमारी माँ साहब के दूध सागर में मिलावट नहीं हो सकती। इसीलिए आप हमें जबरदस्ती यकीन दिलाना चाह रही थी कि माँ साहब हमारी जगह आपकी मस्ताना से शादी करना चाहती है। हमारी एक बार बात तो सुनिए सत्तू जी। आपको कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा परी जी। आपने माँ साहब पे, उनके नाम पे, उनके काम पे, उनके सम्मान पे उंगली उठाई, उस काम पे जिसकी वजह से उनको पूरा लखनऊ सलाम करता है। हमारी माँ साहब ने आपको इतनी इज्जत दी, जो वो हर बहू के साथ कर रही है उससे ज्यादा उन्होंने आपके साथ आज आपकी मुंह दिखाई भी रखी। अरे और क्या चाहिए आपको माँ साहब से? हम भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना कि जितनी गलतफहमियां हम दोनों के बीच में वो दूर हो जाए, हमें माँ साहब में अपनी माँ मिले। साफ साफ दिखाई दे रही है आपकी कोशिश, ये कागज का टुकड़ा साफ बता रहा है कि आपके दिल में हमारी, हमारी माँ साहब की और हमारे दूध सागर की कितनी इज्जत है। और उसके बाद हमारी माँ साहब गलत और आपसे, है ना? ऐसे ही है ना? हमारी बात तो सुन लेते सत्तू जी, जिसने माँ साहब और दूध सागर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, ये कागज का टुकड़ा साफ बता रहा है कि आपके दिल में हमारी, हमारी माँ साहब की और हमारे दूध सागर की कितनी इज्जत है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हमें, हमें माँ साहब में माँ कैसे मिलेंगी? माँ मिलने की इच्छा, इच्छा में क्या सिर्फ इच्छा ही रह जाएगी हमारी? नहीं परी, ऐसा नहीं सोचते। सही डांटा सत्तू जी ने हमें, सही गुस्सा किया हम पे। अरे माँ साहब क्या क्या नहीं कर रही है हमारे लिए, और हम, वो तो हमें एक बहू होने का सम्मान दे रही है, एक बहू होने का दर्जा दे रही है अपने घर में, और ऊपर से सत्तू जी को भी आज उस केस के बारे में पता चल गया। सत्तू जी, हम सिर्फ मस्ताना वाली बात जानना चाहते थे, जिससे कि हमारा रिश्ता इस घर के साथ एक प्यार और सम्मान की नींव पर बने। बस ने प्यार से दिया ना माँ साहब ने हमें ये साड़ी, ये साड़ी पहन लेना। इतनी मेहनत के साथ इन्होंने, इन्होंने दूध सागर को खड़ा किया है। अब पता,
हमारी उसी दूध सागर पे उंगली उठाने की वजह से उन्हें उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया, इसी वजह से उन्होंने हमारी शादी मस्ताना से कराना चाहिए। लेकिन अब माँ साहब अपनी तरफ से सब कुछ सही कर रही हैं, तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए। अरे ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुई? वो हम अभी खाना बना के आए तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आते ही होंगे। और फिर आपको हमारी बराबरी का भी तो दिखना है। चलते हैं हम लोग, चलते चलो। चाची लाइए, हम आपकी मदद कर देते हैं। कचौड़ी तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है, मुलायम, खस्ता, स्वादिष्ट। नई बहू ने बनाई है। कहाँ है आपकी नई बहू? ये भावना, आज तो तेरी नई बहू पहन ओढ़ के जच रही है। नजर ना लगे। वाह मां साहब, आपकी पसंद तो जबरदस्त है। चश्मा तो हटाओ बिटिया। कितनी सुंदर गोरी बहू है। दूल्हे राजा, आप भी तो आइए ना। माँ साहब, आज मुंह दिखाई के साथ साथ नई बहू की हुनर दिखाई भी है। देखे तो क्या कर सकती है आपकी नई बहू? आजकल की बहू बड़ी स्मार्ट है, नाचने गाने में और सास को तंग करने में। पर गाने भी ऐसे गाती है, सास को ताना पड़ जाए और अपना गला खुल जाए। मॉडर्न जमाने की बहू है, अरे कुछ तो करवाइए। मैं भी देखना चाहती हूँ नई बहू क्या कर सकती है। माँ साहब और आप सबके लिए हमारी तरफ से।
सत्तू मुंह लटका के अलग से क्यों खड़ा है? पत्ते झड़ के वो मां साहब उन्होंने क्या वो कर रही है? मां साहब बात दरअसल ये है कि सत्तू भैया को सच्चाई का पता चल गया है कि जिसने आप पे केस किया था वो अब उनकी पत्नी है। कैसे? वो मां साहब कुछ दिन पहले ना कंज्यूमर कोर्ट वाले आए थे, आपकी बहू केस के लिए जा रही है, मतलब सब कुछ मटिया मेट होने वाला है, नहीं तो तुम तीनों को कैसे पता? मां साहब आप तो जानती हैं सत्तू जी फिजूल की बातों पे यूं उदास नहीं होते। हाँ मां साहब बबीता बिल्कुल सही कह रही है, हमने खुद उन दोनों को लड़ते झगड़ते देखा है। हाँ नहीं तो मां साहब ये बिल्कुल सही कह रही है, परी ने खत क्या पढ़ा, उसने तो जिद ही पकड़ ली। और मां साहब कह रही थी हम तो जाएंगे, जरूर जाएंगे, हमें कौन रोकेगा? मतलब मां साहब जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने की बात कह रही है। हाँ नहीं तो आशीर्वाद के बदले अच्छा तोहफा दिया है तूने मुझे, शादी के बाद भी मां साहब के दूध सागर में ताला ठुकवाना चाहती है। मां साहब वो हमारी बात सुनिए, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि आप सब ने मेरी नई बहू को इतना प्यार और सम्मान दिया।
बड़ी प्यारी और समझदार है मेरी नई बहू। जहां मेरी सोच खत्म होती है वहीं से इसकी सोच शुरू होती है। अब सब मुंह दिखाई का आनंद लीजिए, मैं चलती। भावना 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 तेरे अक्ल को तो लकवा मार गया। लकवा क्या हो गया तुझे अचानक? आपके कहने पर, सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर मैंने उस लड़की को एक मौका दिया था यही सोचकर कि मेरे सत्तू का जीवन सुखी बनेगा। कहते हैं अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, लेकिन उस लड़की ने मेरे अच्छाई पे एक जोरदार तमाचा मारा है। अम्मा इससे बुरा और क्या हो सकता है अम्मा? हाँ, उसे लग रहा है कि दूध में मिलावट हो रहा है, मुझे आके पूछती थी, मैं उसे सच्चाई बताती थी। जो केस उसने मुझ पर और दूध सागर पर किया था अम्मा, अब वो लड़की वो केस लड़ने जा रही है। क्या परी जी, हर बार मुसीबत मोल ले लेती। अरे जो भी किया कीजिए, संभाल के किया कीजिए। सुनिए, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जब से इस केस के बारे में आपको पता चला है, आप नाराज हैं हमसे। मानते हैं कि हमने केस किया था, लेकिन तब हम माँ साहब इस परिवार को नहीं जानते थे। उस वक्त हमने अपने पापा को मौत के मुंह से बाहर आते देखा है, तब माँ साहब हमें गलत लगी, इसलिए ये केस किया कि जो भी गलत हो रहा है उसे रोक सके हम। अरे जी, अब आप इस घर में सबको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, माँ साहब को भी जानते हैं। अब आप क्या करेंगे? हमें सोचना होगा सत्तू जी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की जिंदगियां दांव पे लगी हुई हैं। आपके कहने का मतलब है कि मां साहब ने मिलावट करी? परी जी, मां साहब अब आपकी सास है और उससे भी ज्यादा, आप उन्हें मां मानती हैं ना? मां साहब पे इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि दूध में मिलावट तो हुई थी, पर इसका पता लगाना होगा कि आखिर कर कौन रहा है।